अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं समायरा जरार आप सबके सामने दो एग्जाम्पल्स रखने वाली हूँ, दो बातें रखने वाली हूँ। दो केसेस में सिमिलर सिचुएशन है, एक में इनडायरेक्ट और एक में डायरेक्ट, और दोनों सिचुएशंस में हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह रिएक्ट किया ये आप सब जानते हैं, और यही बात मैं आप सबके आगे रखना चाहूंगी। ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ आपके हिसाब से। मैं अपने ओपिनियंस आपसे शेयर करूंगी और आप अपने ओपिनियन में मुझे बताना कि क्या सही था और क्या गलत था। आज हम बात करेंगे दो रिलीजियस गुरुज के बारे में, दो रिलीजियस लीडर्स के बारे में जो अपने रिलीजन को प्रीच करते हैं, जो अपने रिलीजन की बातें करते हैं। एक बिलोंग करता है हिंदू रिलीजन को और दूसरा बिलोंग करता है इस्लाम को, मुस्लिम है। एक है हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने एक बात कही थी जो पूरे देश में फैली थी, उनकी वीडियो वायरल हुई थी और उन्होंने कुछ कहा था जो काफी इनडायरेक्ट था, जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था। मैं यहाँ पे कोई किसी की सफाई नहीं देना चाहूंगी सही या गलत की, आप सब जानते हैं कि क्या सही था और क्या गलत था। और दूसरी तरफ है रामगिरी महाराज, जो हिंदुइज्म प्रीच करते हैं और जो एक खुद भी रिलीजियस लीडर है। उन्होंने जो अल्फाज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल किए थे वो बिल्कुल डायरेक्ट थे। दोनों केसेस में होता यह है कि मुफ्ती साहब के केस में उनके लिए तुरंत एफआईआर फट जाती है, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको पासा कर दी जाती है। सेकेंड केस में इतने दिनों से सिर्फ केस रजिस्टर हुआ है बट किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि जब सिचुएशंस सिमिलर है और जहां पे अगर हम इसको थोड़ा सा तोलने जाए तो एक इनडायरेक्ट सिचुएशन और एक डायरेक्ट सिचुएशन, डायरेक्ट सिचुएशन का पलड़ा ज्यादा भारी है, तो भी वहां पे गवर्नमेंट का रिएक्शन आपको सही लगता है? मुफ्ती साहब को वडोदरा जेल में पासा हुई है और जैसे कि आप सब मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं और आप सब जानते हैं कि पिछले फोर एंड हाफ मंथ्स में एक रॉन्ग केस में रॉन्गली अक्यूज्ड मेरे हस्बैंड को 4.5 मंथ्स के लिए उनको वडोदरा सेंट्रल जेल में रखा गया था और वो मुफ्ती साहब के साथ ही रहते थे। मुफ्ती साहब के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद हम सब ये देख पा रहे थे कि वो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह बाहर निकल जाए, किसी तरह वो उनकी उनकी सिचुएशन से राजी है, वो ये समझ रहे हैं कि उनके साथ जो भी हुआ है वो अल्लाह की मर्जी है, पर हम सब ये भी जानते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है एक तरीके से इनजस्टिस है। जहां हक की बात आती है, जहां जस्टिस की बात आती है, आई पर्सनली फील कि अब उनको जस्टिस मिल जाना चाहिए। ये फरवरी की बात है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड होने वाला है, अभी तक उनको पासा रखा गया है सिर्फ एक अल्फाज के लिए। हम सब पॉलिटिशियंस के भाषण सुनते हैं, उनकी स्पीचेस सुनते हैं और कितनी बुरी तरीके से एक दूसरे को लिटरली बेइज्जत करके वो लोग अपनी बात आगे रखते हैं, तब कोई हेट स्पीच नहीं आती, राइट? बट यहाँ पे एक मुस्लिम धर्म गुरु की बात हो रही है, एक मुस्लिम की बात हो रही है, बस इसी वजह से उनको इतने महीनों से पासा में रखा गया है, इतने महीनों से अपनी फैमिली से दूर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था जो कि इनडायरेक्ट था, जिसका डायरेक्ट कोई बात थी ही नहीं, डायरेक्टली बोला ही नहीं गया था कि वो इसे बोल रहे हैं या उसे बोल रहे हैं। बात यहाँ पे जस्टिस की आती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को इट्स हाई टाइम कि अब जस्टिस मिल जाना चाहिए। और दूसरी तरफ रामगिरी महाराज इतनी बड़ी बात कह के इतनी बुरी तरह इस्लाम में जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके दिखाए रास्ते पर हम चलते हैं, जिन्होंने जो बातें कही है उसे हम अपनी जिंदगी मानते हैं, जिनका नाम पढ़कर हम मौत की दुआ मांगते हैं, उनके बारे में उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए और वो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप एज अ मुस्लिम या एज अ नॉन मुस्लिम मत देखिएगा ये वीडियो, प्लीज
दिस इज माई रिक्वेस्ट। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक जस्टिस को पसंद करने वाले इंसान की तरह देखिएगा, एक ऑनेस्टी से देखिएगा और ऑनेस्टी से बताइएगा कि ये जो हो रहा है दोनों के साथ ये सही है या गलत। जो इंसान सलाखों के पीछे होना चाहिए वो बाहर घूम रहा है, और जो इंसान बाहर होना चाहिए वो सलाखों के पीछे इतने महीनों से। एक बात कहते हैं ना कि कहने को तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कहने को तो इंसान जो चाहे कह सकता है, पर वो ऐसा है ना कि जिसके पास पावर है ना सिर्फ वही बोल सकता है। जिसके पास जो पर्सन माइनॉरिटी में आ जाता है या व्हाट सो एवर उसके ऊपर एक बोलते हैं ना एक डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, तो उसके साथ कोई भी चीज तुम कर सकते हो, कोई भी इनजस्टिस तुम कर सकते हो। और मैं चाहती हूँ, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अब आवाज उठाई जाए, अब उनके लिए जस्टिस की मांग की जाए। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बात थी ना, ये सिर्फ आपको यही समझाने के लिए की थी कि एक अल्फाज इस्तेमाल किया गया था जो बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं था, जो बिल्कुल भी उस तरफ इशारा नहीं कर रहा था। आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और कौन से ऐसे पॉलिटिशियन के स्पीचेस है जिसमें एक दूसरे को टारगेट नहीं किया गया है, एक दूसरे के बारे में बेहुदा बातें ना की गई हो। एक ऐसी स्पीच की लिंक मुझे आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं किया गया है। तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में किस तरह की बातों को इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को आगे करते हैं, और जब धर्म गुरुस की बात आती है उनका काम होता है कि अपने धर्म को प्रीच करना, ना कि दूसरे धर्मों को के ऊपर उंगली उठाना या उस दूसरे धर्मों के बारे में बेहुदा बातें करना या बकवास करना। ये काम नहीं होता है रिलीजियस लीडर्स का। अगर आपको मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई लग रही हो, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो रामगिरी महाराज कह के मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे, क्या हमको भी राइट नहीं है एज अ मुस्लिम कम्युनिटी? अगर हमारे साथ या हमारे लिए कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसे भी सजा दी जाए। इज इट नॉट राइट? प्लीज बी फेयर इनफ इन योर कॉमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।